हेलो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट स्टडी के लिए अब्रॉड कनाडा जाना चाहते हैं वो लोग वेट कर रहे थे कि DLI की जो थर्ड लिस्ट डिक्लेयर हो। नाउ थर्ड लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। 17 नवंबर को थर्ड लिस्ट आई है। इसमें टोटल 51 कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, जो कि टोटल अभी तक 237 कॉलेज अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं कनाडा में, जहाँ स्टूडेंट ट्रेवल कर सकता है जनवरी इनटेक के लिए। तो आप भी अगर इस 237 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे आपका पहला जनवरी का में जाना चाहते हैं या सितंबर का इनटेक है या उसके पहले का भी इनटेक है, तो अगर आपका नाम इन 237 कॉलेज की लिस्ट में है तो आप जनवरी फिजिकली क्लास अटेंड करने कनाडा जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहली और सेकेंड लिस्ट का आइडिया होगा इसमें कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। आज हम देखते हैं जो कि लेटेस्ट डिक्लेयर हुई है थर्ड लिस्ट, उसमें कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बता दें कि थर्ड लिस्ट जो डिक्लेयर हुई है उसमें सिर्फ 3 ही प्रोविंसेस हैं जिसमें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐड हुए हैं। कनाडा की 10 प्रोविंसेस, 3 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 3 प्रोविंसेस हैं जहां पर कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐड हुए हैं थर्ड लिस्ट में। और ये प्रोविंस कौन कौन से हैं? ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा। ऑन्टारियो के लिए वाकई वेट हो रहा था बच्चों का कि ऑन्टारियो के बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिसिंग थे अभी तक, और वो वाकई में सबसे ज़्यादा लिस्ट में उन्हीं के नाम है। 29 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑन्टारियो के जो इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। 19 ब्रिटिश कोलंबिया के हैं एंड 3 जो है वो अल्बर्टा के हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार, पूरा रिव्यू लेते हैं DLI की लिस्ट का, और आपको मैं गाइड भी करूँगा कि आगे का प्रोसीजर बच्चों के लिए कैसे होगा। DLI में नाम आने का मतलब ये है कि आप जा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों का DLI में नाम नहीं है वो जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, इस पर भी क्लियरिटी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉलेज DLI में होने के बावजूद भी क्या ऐसी रुकावट है कि आपको वहाँ जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन होगा, इस पर भी मैं क्लियरिटी दूंगा। एक बार पहले रिव्यू ले लेते हैं लिस्ट के लिए। देखिए, ये लिस्ट है टोटल जो आज तक डिक्लेयर हुई है। ऑन्टारियो में सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में 14 कॉलेज यूनिवर्सिटीज आए थे, फिर सेकेंड में 13 आए थे, फिर आप लास्ट में 29 कॉलेज ऐड हुए हैं। टोटल ये 56 कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑन्टारियो में हो गए। अभी भी कॉलेज ऑन्टारियो के बहुत सारे छूट रहे हैं, बिकॉज ऑन्टारियो सबसे फेवरेट स्टेट है बच्चों को जाने के लिए, और अभी भी काफ़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसमें मिसिंग्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी ऑनगोइंग प्रोसीजर है। आपका थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया इसका मतलब ये कि आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना कोविड रेडीनेस प्लान को असेसमेंट करवा रहे हैं गवर्नमेंट से, और वो अभी एक इसे स्टेज पर है जहाँ पर कि उनको अप्रूवल कभी भी मिल सकता है। तो पीरियडिकली ये लिस्ट, अभी एक और या दो लिस्ट और आने की उम्मीद है, संभावना है, तो डेफिनेटली उसमें आपका नाम आने की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया में देखिए, पहले लिस्ट में 39 थे, फिर 23 डिक्लेयर हुए हैं, अब थर्ड लिस्ट में 19 नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी एड हुए हैं। टोटल इनकी काउंटिंग अभी तक 81 हो चुकी है। पूरे कनाडा के प्रोविंस में अभी तक हाईएस्ट है ब्रिटिश कोलंबिया के, जो सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी अभी तक इस लिस्ट में नाम आए हुए हैं। थर्ड आपका स्टेट है अल्बर्टा, जिसमें कि 39 पहली लिस्ट में थे, फिर 23 डिक्लेयर हुए, 9 अभी 3 हुए, टोटल काउंटिंग है 51। क्यूबेक के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अप्रूव हो गए। जैसे आपको पता है, क्यूबेक का एक अपना अलग ही रूल्स रेगुलेशन चलता है। क्यूबेक ने अपना वन गो में पहली लिस्ट में सारे कॉलेज और लिस्ट अप्रूव कर दी थी। क्यूबेक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि उसको काफ़ी कुछ अथॉरिटी मिली हुई है कि वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने अपना पूरा का पूरा डिसीजन वन गो में लिया था, और वो उनका एक ये कहना था कि हमारे यहाँ किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा आ सकता है, और हमने इसके लिए पूरी तरह से हम तैयार। तो स्टूडेंट, अभी हम देख लेते हैं कंप्लीट लिस्ट को वन बाई वन स्टेट के हिसाब से। देखिए, ये ऑन्टारियो की पहली लिस्ट थी, आपको अल्फाबेटिकली लिस्ट है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट स्टूडेंट देख चुके हैं अभी तक। देखिए, ये चल रही है जो पहली और दूसरी लिस्ट है। नाउ दिस इज द थर्ड लिस्ट जो अभी अभी लेटेस्ट डिक्लेयर हुई है एक दिन पहले ही, और ये लिस्ट में जो 6 यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर हुई हैं, बाकी 23 कॉलेजेस हैं। एक बार रिव्यू ले लेते हैं, ये भी अल्फाबेटिकली है। ब्रिस्का यूनिवर्सिटी कॉलेज, कैनेडोर कॉलेज, कॉलेज पोरेल डी आर्ट, कॉलेज डी आर्ट एप्टीक्यू, कोनेस्टोगा कॉलेज बड़ा फेमस कॉलेज है, बच्चे काफ़ी जाते हैं यहाँ पर, कन्फेडरेशन कॉलेज, फेंशॉ कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज, ये सारे चारों पांचों कॉलेज ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की बच्चों की बड़ी लाइकिंग है। काफ़ी बच्चे इसका नाम का वेट कर रहे थे, ये नाम आ चुका है। एंड देन हुनर यूनिवर्सिटी कॉलेज, किंग्स यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटीज दी हार्टेस्ट, लैम्पटन कॉलेज भी काफ़ी फेमस है, बच्चे काफ़ी जाते हैं, देन लॉरेन यूनिवर्सिटीज, मोहक कॉलेज, अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस कॉलेज ऑफ ऑन्टारियो, एंड देन निपिसिंग यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न कॉलेज, ऑन्टारियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन यूनिवर्सिटी, रेनिसन यूनिवर्सिटी कॉलेज, रायसन यूनिवर्सिटी, सॉल्ट कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, सेरेडियन कॉलेज, अगेन वन ऑफ द फेमस कॉलेज, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग कॉलेज, सेंट क्लियर कॉलेज, ये भी कॉलेज काफ़ी डिमांड में रहता है, सेंट लॉरेंस अगेन डिमांड वाला कॉलेज है, एंड देन ऑफकोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन्टारियो, बहुत अच्छी रेपूटेड यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे जाना पसंद करते हैं, ऑलमोस्ट टॉप फाइव में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ये भी अप्रूव हो चुकी है, बच्चे जा सकते हैं जनवरी में इसमें, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टारियो, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। सो 6 यूनिवर्सिटी और 23 कॉलेज की ये लिस्ट है जिसमें कि स्टूडेंट एड हो गए हैं पुरानी लिस्ट में, एंड देन टोटल कैनेडा की जो लिस्ट इस समय स्टैंड कर रही है वो 237 पे स्टैंड कर रही है। देखिए नेक्स्ट प्रोविंस को देख लेते हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया में ये पुरानी लिस्ट है जो कि पहली और सेकेंड लिस्ट चल रही है, अल्फाबेटिकली है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देन आपके पास ये जो है ये सेकेंड लिस्ट का पार्ट है, देन ये भी अभी सेकेंड लिस्ट चल रही है, ये है थर्ड लिस्ट जहाँ पर कि 19 कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अभी ऐड हुए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में देखिए आपके पास एल्डर यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंडर कॉलेज, कैनेडियन एविएशन कॉलेज, कैनेडियन स्पोर्ट्स बिजनेस एकेडमी, कॉर्नस स्टोन इंटरनेशनल एकेडमी, इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कैनेडा, ईसी वैंकूवर, आईटीडी, न्यू इमेज कॉलेज, निम्बस स्कूल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मीडिया, नॉर्थ हर्स्ट, हर्स्टन यूनिवर्सिटी, क्विस्ट यूनिवर्सिटी कैनेडा, SELC कैरियर कॉलेज वैंकूवर, वैन वेस्ट के दो कैंपस हैं जो अप्रूव हुए हैं, वैंकूवर कैरियर कॉलेज, वैंकूवर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स, वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज, विस्लर एडवेंचर स्कूल, एंड देन III वैंकूवर। ये सारी की सारी 19 लिस्ट है जो डिक्लेयर जरूर हुई है, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफकोर्स नहीं दिख रहे हैं, बट समहाउ ब्रिटिश कोलंबिया की लिस्ट पहली दो लिस्ट थी उसमें काफ़ी नाम आ चुके हैं, बट अभी भी ब्रिटिश कोलंबिया में मिसिंग है जो कि बच्चे जाना चाहते हैं, नीड नॉट टू वेट, ये लिस्ट भी ऐड होने की पूरी पूरी उम्मीद है, आप डिसहार्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, देर इज ए प्रोसेस ऑन गोइंग जिसमें कि नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी जल्दी ही ऐड होकर आने वाले हैं। देखिए अल्बर्टा की ये पुरानी लिस्ट है जो कि पहली और दूसरी यूनिवर्सिटी है, अगेन ये भी अल्फाबेटिकली है, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं। ये 3 कॉलेज नए ऐड हुए हैं, अगेन ये भी ज़्यादा फेमस कॉलेज नहीं है, बट समहाउ अल्बर्टा उतना ज़्यादा पॉपुलर स्टेट नहीं है स्टूडेंट्स में स्टडी के लिए, बट बहुत अच्छी लिस्ट इसमें आ गए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ गए हैं, सो अल्बर्टा एक अच्छा डेस्टिनेशन है इस समय जनवरी इनटेक में जाने के लिए। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, अल्बर्टा ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट भी चालू करा है जहाँ पर कि उसने अपने प्रोविंस को टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया है, उन्होंने एक स्कीम चालू करी है कि पूरे कनाडा में अभी टूरिस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन अल्बर्टा के प्रोविंस है जहाँ उन्होंने टूरिस्ट ने अलाउ करा हुआ है, और उन्होंने बोला है कि आपको एयरपोर्ट पर ही आपका कोविड का चेक होगा, अगर आपको कोविड नेगेटिव निकलता है लेकिन यू कैन मूव ऑन, और अगर आपको पॉजिटिव निकलता है तो आपको क्वारंटाइन का प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, बट स्टिल यू कैन कम टू द अल्बर्टा बीइंग अ टूरिस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, फादर मदर जिनका वीज़ा लगा हुआ है वो बच्चे के साथ जा सकते हैं अल्बर्टा में खासकर। अब मैं क्लियरिटी देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स DLI लिस्ट में आ गए हैं नाम उनका क्या स्टेटस है, और जो स्टूडेंट जिनका DLI लिस्ट में नाम नहीं आया उनका क्या स्टेटस है। दो चीज़ें हम क्लियर करना चाहेंगे बिल्कुल भी, कि सबसे पहली बात है कि जिन बच्चों का DLI में नाम हो चुका है, जिनका कि AIP आ चुका है, और उनको आने वाले टाइम में अगर बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आ जाती है, देन उसके बाद पे पासपोर्ट सबमिट की रिक्वेस्ट आएगी आपको। अभी आपका अगर AIP आया हुआ है तो दो प्रोसीजर आपका अभी तक बचा हुआ है, नंबर 1 बायोमेट्रिक, अनदर इज पासपोर्ट स्टैम्पिंग। ये दोनों प्रोसीजर आपको जनवरी से पहले पहले करना होगा, तभी आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर पाएंगे आज की पॉलिसी के हिसाब से। कनाडा ने अभी तक कोई चेंज नहीं करा है, अगर आने वाले टाइम में बायोमेट्रिक को अवॉइड कर देता है या और कोई पॉलिसी चेंज कर सकता है तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बट आज की पॉलिसी में अगर आपका
AIP आ चुका है, चाहे आप किसी भी इनटेक के हों, पहले इनटेक के हों या अभी जनवरी आने वाले इनटेक के लिए प्रोसीजर चल रहा हो आपका, तो उस केस में आपको अगर AIP मिला हुआ है और आप आने वाले टाइम में आपको एक बायोमेट्रिक करवाना होगा और पासपोर्ट की स्टैम्पिंग करानी होगी, देन आप अपने अगर इस DLI लिस्ट में नाम आ गया है तो आप जा सकते हैं। अगेन, अगर इस DLI लिस्ट में नाम नहीं है और आपका ये सारा प्रोसीजर हो चुका है या हो चुका होगा, तब नहीं जा पाएंगे आप। आपका अगर पासपोर्ट स्टैम्पिंग भी हो गया है और DLI लिस्ट में आपका नाम नहीं है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेवल टू द कैनेडा फॉर एटलीस्ट फॉर जनवरी इंटेक। 4 महीने का इनका सेमेस्टर होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा सेमेस्टर चलेगा, मई इंटेक से माइट भी आप जाके ज्वाइन कर पाएंगे। एक तो ये क्लियरिटी हुई कि अगर आपका DLI लिस्ट में नाम है तो आपका 2 प्रोसीजर बचा हुआ है, उसके कराने के बाद आप ट्रेवल कर सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको AIP आ गया है, बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट नहीं आती है या आपका पासपोर्ट स्टैम्पिंग नहीं हो पाता है, तब भी आप DLI लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी आप जनवरी इनटेक में फिजिकल क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो ये क्लियरिटी है कि आपके पास दोनों प्रोसीजर होना चाहिए, कि आपका DLI लिस्ट में नाम भी होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग दोनों प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गए। एक तो पहली स्टेज हुई। दूसरी स्टेज ये होगी कि क्या हमारा ये तीनों स्टेज होने के बावजूद भी कोई रुकावट है कि हम वहाँ नहीं जा पाए? यस, देयर इज ए हर्डल, लाइक कैनेडा इज ओपनिंग देयर डोर बट नॉट एट द फुलेस्ट स्ट्रेंथ। देयर इज ए पॉलिसी गोइंग ऑन इन कैनेडा, अगर आपके बच्चों का या स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को कंसिडर करता है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट उसके सेमेस्टर में है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट अगर उसके सेमेस्टर बच्चे के सेमेस्टर में है, तभी उस केस में कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलाउ कर रहे हैं बच्चों को कि वो फिजिकली ट्रेवल करें जनवरी में। तो आपका अगर पासपोर्ट की स्टैम्पिंग भी हो जाती है, देन आपको एक एडिशनल लेटर की रिक्वायरमेंट होगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि वो आपको जनवरी के लिए फिजिकल क्लासेस के लिए आपको बुलाएंगे। तो वो आपको लेटर होना भी ज़रूरी है। DLI की लिस्ट में नाम होने के बाद, स्टैम्पिंग होने के बावजूद भी आपका आपको आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी रेडी हो आपकी क्लासेस को फिजिकली वहाँ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रोविज़न भी है जिसमें कि देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपका अगर सब्जेक्ट थियोरिटिकल हो जिसमें कि कोई प्रैक्टिकल की ज़रूरत ना हो, तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी मे डिनाई, दे मे कंटिन्यू विद द ऑनलाइन क्लासेस एंड दे वुड बी कॉलिंग यू फ्रॉम द मई इंटेक। सो स्टूडेंट नीड नॉट टू बी वरीड। एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियरिटी हो, चाहे आपका कोर्स 4 साल का हो, चाहे आपका कोर्स 2 साल का डिप्लोमा हो या 1 साल का भी डिप्लोमा हो, एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है कि आपको 50% से कोर्स, मतलब जो भी स्ट्रेंथ आपकी लेंथ है उसका 50% आप कनाडा में अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको वर्क परमिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपका 2 साल का डिप्लोमा है, आप 1 साल तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, देन उसके बाद आपको ऑफलाइन वहाँ जाके अटेंड करना ज़रूरी है। तो अगर आपने 1 साल भी वहाँ अटेंड कर लिया तो आपको वही एडवांटेज मिलेगा जो 2 साल का एडवांटेज है, कंप्लीट आप 3 साल का वर्क परमिट ले पाएंगे 2 साल कंप्लीट करने के बाद। इसी तरीके से 4 साल का कोर्स अगर है तो 4 साल के कोर्स में भी आपको 50% आप ऑनलाइन तक जा सकते हो। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनवरी इंटेक अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, नीड नॉट टू वरीड, ऑफलाइन में आपको क्लासेस जाने का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं आपको किसी भी तरीके का अपना लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा आपको फ़ायदा होगा कि वहाँ जाकर रहने खाने पीने का जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपकी सेविंग हो रही है, और जनवरी में थोड़ा सा ठंड भी वहाँ ज़्यादा होती है, एक मौसम बड़ा वेदर जो है उतना कम्फर्टेबल नहीं है। तो अगर आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो चिंता नहीं करना, आपको मई जो कि बहुत कम्फर्टेबल टेम्परेचर होता है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और जब तक कोविड का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी निकल आएगा, वैक्सीन भी आएगी और जब तक के कोविड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो या आगे के लिए आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, किसी भी तरीके का आप गाइडेंस चाहते हैं, हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें। हमारा ऑफिस का एड्रेस है ये आपका नंबर है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम आपको पर्सनली हेल्प करती है। आगे के लिए प्रोसेस के लिए भी वी वेलकम द स्टूडेंट्स। मैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।